पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, एसएसपी मोहाली मुर्दाबाद, एसएसपी मोहाली मुर्दाबाद, एसएसपी मोहाली मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, मोहाली सरकार एमएलए मोहाली मुर्दाबाद, एमएलए मोहाली मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद, एसएसपी मोहाली मुर्दाबाद, एसएसपी मोहाली मेरी 17 साल की बेटी धक्के मारे हैं कि आगे साढ़े घर 25-30 हमला करके गए हैं। बच्चा दर्द होया थोड़ा? जिहड़ा अज धरना दिता जा रहा किस चीज़ नूं लेके है? पुतला भी फूकण दी तैयारी है सर? अज असीं पंजाब सरकार दा मुख्यमंत्री भगवंत मान दा ते एसएसपी मोहाली दा पुतला फूकण जा रहे ने ते असीं जिहड़े लोग ने सारे ही पीड़ित जो नगर निगम मोहाली तो होए या एसएसपी मोहाली तो होए सारे ही जिहड़े पीड़ित लोग ने जिन्हां ने पिछे धरने मुजहरे ला के असीं थक चुके ने पर प्रशासन के कन्न तो जूनी सड़क की कोई मुलाजम रिश्वत तो नहीं कटिया कोई काम करने तैयार ने। जिहड़ा नगर निगम की गल कर लिए जिहड़े बिल्डिंग इंस्पैक्टर ने खास करके जिहड़ियां उच्चियां इमारतां ने आओ जी इधर आ जाओ जिहड़ियां उच्चियां इमारतां ने उन्होंने ये बीबियां जिहड़ियां तंग परेशान कीतियां होईयां ने बड़बड़ियां जिहड़ियां पीजियां गईयां मकान दब गए तिड़ गए उन्होंने मुड़ के जिहड़ा हैगा उहदा रिपेयर करन वास्ते कोई नहीं हुंदा ते आ बीबी नूं इक अद्धे मरले का मकान है सील करन दे आर्डर करदे वी तुहाडा मकान सील कर रहे हैं जदके विधवा औरत है जी इहदे सिर ते घर वाला नहीं है ते होर भी जिहड़ियां मुश्किलां जिवें बीबी परमजीत कौर गढ़ी है होर भी साढ़े अनेक जिहड़े केस ने ते उह तों दुखी हो के अज एसएसपी मोहाली ते मुख्यमंत्री भगवंत मान दा सी पुतला फुक रहे ने ते कल्ला मैटर सी 6 केस सी साढ़े कोले पिछले 4-5 साल तो लंबित है। फेस 11 की गल कर लिए एक FIR नंबर 48/17 सी जिहड़ी कैंसल करनी सी। दूसरा एक थाणा सोहाणे का केस सी 8 फेस के 2 केस ने एक राकेश कुमार दे मतलब है जिदे खिलाफ़ FIR दर्ज होने दे SC कमीशन ने आर्डर करे सी पर लेकिन SC कमीशन ने 3 साल बीतण दे भी कोई आर्डर नहीं करे। हुण कौमी कमीशन ने मेरे परसनल केस है वो कौमी कमीशन ने 3 नोटिस कर ले इसे SSP नूं इसे IG नूं ऐसे जिहड़ा डिवीजनल इन्हां दे कन्न दे हले भी जूनी सड़क दी हुण थोड़े दिन च इह दिल्ली जिहड़े है इन्हां की परसनलिंग हेयरिंग होगी। इस तरह एक जीवन सिंह ASI है जिहड़ा 30,000 रुपया 28 रिश्वत गा ले गया 6,000 शराब दीआं बोतलां ले लियां ते 6,000 12,000 तक मोबाइल जिहड़ा 8 महीने तो रखी बैठिया यही सुरेश अरोड़ा शायद राकेश अरोड़ा 8 फेज थानेदार से इहदे हाजरी च जिहड़े कमिश्ट फड़ाए गए सी जिन्हां दी गड्डी साडे वीडियो च अज भी उह वीडियो च गड्डी चल रही है शायद बेटे दे फोन च हैगी ते जिहड़ियां बहुत सारियां उदाहरणां थानू असीं करप्शन दीआं दे सकदे जिवें साडी सरकार हिमाचल जाके प्रचार कर रही है जिवें साडी सरकार गुजरात च प्रचार कर रही है करप्शन खत्म होगी पर इत्थे 10-10 लाख रुपया लंदे DSP जिवें फरीदकोट फड़िया इस तरह फड़े जा रहे दसो करप्शन किवें खत्म होगी करप्शन कित्थे तक खत्म होजूगी? भुल्ला साहब तुहाडी जिहड़ी तुहाडी लड़ाई है वो जिन्हां नूं पुलिस तो इंसाफ चाहिए उही पुलिस किते ना किते करप्शन च लिप्त नज़र आ रही है लगदा कि इंसाफ मिलेगा? मैं क्या जी जिहड़ा इंसाफ है जिहड़ी सरकार ते लोकां नूं उम्मीदां सीआं 92 MLA बने थे बहुत ही बहुमत सरकार आई थी अकाली दल कांग्रेस तो लोगों ने तंग होकर सरकार बनाया थी पर यह सरकार उन्हां नालों भी निकम्मी निकली जिन्होंने 4 महीने च सारा कुछ फैल किया तो इन्होंने तकरीबन 6-7 तुहानूं फैसले गिणा सकदा जिहड़ा सवेरे मन लगदी मुख्यमंत्री पींदा नहीं है शाम को पी के केस वापस ले लैंदा जिवें जगाड़ू रेहड़ियां की गल कर ली जिवें आ एक क्रैप अपने रिजर्वेशन खत्म करन दी रिट पटीशन पाई जदों सड़कां दे लोक होए नारेबाजी होई तां उह 3 दिन बाद उह वापस ले ली कि लोगों नूं इसे तरह तड़फाना इन्हां ने ते जिहड़ी पुलिस दे खिलाफ तुसीं आरोप ला रहे हो उही पुलिस तुहाडे एरिए च तैनात आ उही अफसर मौके ते ने कि इंसाफ दी उम्मीद कीती जा सकदी? इंसाफ दी जेकर उम्मीद होई असीं
जे सरकार सुती ना पई हुई, जे गूंगी बोली सरकार हुई, उसके खिलाफ असी अज इत्थे कर रहे थे। पहला एस एस पी दफ्तर करिया, फिर उसकी कोठी तक रौ करने वास्ते असी पैदल मार्च करके जावांगे, तो उस भगवंत मान नूं दसांगे जिहड़ियां बड़बड़ियां गल्लां उस स्टेजां ते कीता सी। भगवंत मान जी, मैं ये भी थोड़ी मीडिया राही कहिंदा, मैं माध्यम राही कहना चाहुंदा है, पब्लिक नूं न्याय साफ दवाउण वास्ते तुहानूं चुणिया सी, ना कि दो दो तीन तीन ब्याह कराउण वास्ते भी 30 साल की कुड़ी नाल ब्याह करा लिया, 25 साल की कुड़ी नाल, 50 साल का मुख्यमंत्री ब्याह करा रहा, की मैसेज देना पैंदा? उसके कंप्लेटा साढ़े को बहुत आ रही ने, कंप्लेटा पाइया मैं जो किसी से कार्रवाई नहीं होंगी। रणजीत सिंह खन्ने तो एक उन्होंने कंप्लेट पाई थी, कंप्लेट की कापियां पाइया, जो कोई कार्रवाई नहीं होनी, दसो भगवंत मान किवें है? असी जिहड़ा जिहड़ा करप्ट है, चाहे वह कांग्रसी है या अकाली है, उन्होंने प्रति असी ठीक है, उन्होंने प्रति ठीक है, करप्ट नूं कार्रवाई। पर जिहड़ी हुण हो रही उहदे हाजरी च, जिहड़ी उहदी सरकार च हो रही है, उहदे एमएलए दे हुण की कुलवंत सिंह नूं नहीं पता, इत्थे एमएलए दे दफ्तर नेड़े बैठे हैं, कि कुलवंत सिंह नूं नहीं पता भी करप्ट हो रहे हैं, अफसर भ्रिष्टाचार कर रहे हैं, कि कुलवंत सिंह नूं पता नहीं है भी उह धरना लई बैठे लोग ने? 10 दिन असी जिहड़ा है अल्टीमेटम दिता सी, पर उहदे कन्न ते जूनी सर की, जेकर रिजर्व बंदा रिजर्व की गल नहीं सुनता तो जर की होर कौन सुनूगा? की एमएलए ने ताड़ी कोई अपील या कोई और गलबात की हो इस तो पहला? एमएलए ने असी प्रेस राही मीडिया राही अपील करते हैं, जिहड़े पीड़ित लोग ने, मैं इन्हां नूं भी बेनती करना है, एक बीबी साडी रजनी जी, वो अपना एक बिजली का जिहड़ा लगना सी ट्रांसफॉर्म, वो लेके कुलवंत सिंह कोल गई सी, कुलवंत सिंह नूं कहता जी देखो तुसीं साडा अरेजमेंट करो, बिजली घट आ रही है, जेकर नहीं है तो असं प्रेस वाले बुला लें, कहता बीबी तुम प्रेस वाले बुला लो पहला, बाद आ जाएंगे। वो बीबी हाजिर नहीं, अजा आई नहीं है, उन्होंने तकलीफ है, कोई बीमार हैगी। तो अजिहियां केसां साडे कोल आ, 4 महीने च इन्हां ने जिहड़ा जलूस कढ़िया, असी कमेडियन चुणे थे भी सरकार चलाएंगे, पर असली कमेडियन निकले जिन्होंने 4 महीने सारा कुछ फैल किया। आखिरी सवाल है, क्या तुम एस एस पी मोहाली से सीएम पंजाब का पुतला फूकन जा रहे हो? हालांकि पुलिस अफसर तुम मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं, गलबात चल रही है, की कहना है? ये पुलिस अफसर जी जो मौके पर जो असी 10 दिन का अल्टीमेटम देंगे, वो दूजे दिन क्यों नहीं करते, तीजे दिन क्यों नहीं करते? जो धरना लाना अज सवेर के मेरे को कल दे एस एच ओ थाणा फिर 60 एस एच ओ सोहाणा, तो इन्हें जेडे कल दे मैं फोन आ रहे हैं भी तुम धरना ना लाओ जी फलाना, पैंगे काम कौन करूगा? ये लोगों को की कहेंगे जेडे पीड़ित हैं भी इन्होंने सैटिंग कर ली, प्रधान जी ने कोई होर कर लिया? ठीक है, ये वर्दियां पानिया सारा कुछ करना, सरकारी वर्दी पाई, सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं, पर लोग दोनों हत्थों लोगों जेडे लुट रहे हैं। इस तो पहला भी जो अफसर इतने रहे, चाहे DSP 2 रहे हैं, चाहे कोई होर अधिकारी रहा, उन्होंने भी यही गल मौके से करते रहे जो उन्होंने जी पिछले 1.5 महीना लगभग धरना लाया से, उन्होंने SSP दफ्तर प्रेस के साडे सामने सारे के गवाह हैं, तुम प्रेस ग्राह गवाह है, जिन्होंने एक हफ्ते का या 10 दिन का टाइम मंगया, पर लेकिन 1.5 महीना बीत गया, एक भी जी कार्रवाई है 6 केसों जो साड़ी एक भी कार्रवाई नहीं करी, उल्टा दाखिल दफ्तर एक ट्रैवल एजेंट के खिलाफ है कंप्लेट, वो दफर दफ्तर दाखिल करा दी, तो होर कोई काम कर नहीं। असी पुतला जी पुतला फूकेंगे, भगवंत मान का फूकेंगे, SSP मोहाली का फूकेंगे, काम इन्होंने करना हो ठीक है, नहीं करना कोई एक मेरा लहदा परसनल काम नहीं है, असी फिर अगली अगला प्रोग्राम जो लड़ीवार मैं तो सुरिंदर सिंह लखोवाल मुलाजम भलाई फ्रंट पंजाब का प्रधान, मैं सरकार का कहना कि मेरी लिफाफेबाजी आ, करप्शन उस तरह चल रही है, मैं हेल्थ सिस्टम कारपोरेशन का तुम्हें एग्जाम्पल दिना, तो सरकार की हदायत ने 58 साल तो बंदा बाद रिटायर कर देना, घर में भेज देना, पर एक विशेष व्यक्ति विजय कुमार रिटायर होने तो बाद बगैर किसी कैदे कानून एक्शन बढ़ के बहालिया हो, सारे पंजाब के टेंडर पास कर रहे, ये पिछले की राज वा महकमे दियां यूनियन ने जोर लाया भी इस बंदे नूं वापस कढ़ो, फर्क करो, तो नवे बंदे रखो, किसी की नहीं मन्नी सको, उन्होंने चुप चुक उन्होंने बदलियां करतियां, इस तरह से करप्शन का जाग सवाल है। सिंह साहब, आम आदमी पार्टी तो पंजाब के लोगों को उम्मीद नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं, पहलियां पहलियां उम्मीदा से भी पानी फिर गया, सगो ये तो उन्होंने तो भी हरियाणा तो हिमाचल की जीतने की गल करते उत्थे पंजाब सरकार का पैसा खर्चा जाता, इश्तहार किए जा रहे हैं, पैसा पंजाब का गुजरात की मतलब है जी इश्तहारबाजी करता है, मुख्यमंत्री ठीक नहीं पंजाब ले? बिल्कुल ठीक नहीं, जो बदला दुखी हुए अकाली दल से कांग्रेस तो दुखी हुए, इन्होंने लॉटरी नहीं कराई, बाकी काम कुम कुछ नहीं हो रहा, दफ्तर चल जो उस तरह ही पैसा चल रहा, सब कुछ उम्मीद हो रहा, कोई फर्क नहीं गा, तो मैं हेल्थ कर रही है जेडे इन्हों बंदे बंदे जेडे मंत्री बनाए ना, वो मंत्री बनाए जेडे ना केजरीवाल पसंद से,
जेडे पढ़े लिखे सूझवान अच्छे वो किसी बंद मंत्री नहीं बनाया गया क्योंकि वह केजरीवाल के कहने नहीं चलन गए। पर सिंह साहब लोगों के चुने हुए नुमाइंदे ने अपने ही स्टेट तो सूबे तो चुन के गए हैं कि उन्हों का अपना दिमाग नहीं है जिन्हें तुम गल करो कि केजरीवाल के कहने काम कर रहे हैं। दिमाग जो होंगे तो फिर घाटा ही कहता होंगे, दिमाग तो है ही नहीं, जब दिमाग होंगे तो फिर केजरीवाल के कहते क्यों बन गए सर। हम मान मंत्री बनाया मानते हो तुम पंजाब के लोग गलत बस चढ़ गए बिल्कुल गलत चढ़ गया। एक बार बदलाव से लोगों को चाहिए असं बदलाव करने वास्ते कहा हूँ यह साढ़े वैसे मैं हूँ ये बुराई नहीं करता ये 10 साल का तजर्बा वो मैडम का की तजर्बा मैं ये दसो क्यों बनाती हो यू क्यों नहीं बनाया गया। पर उन्होंने दफ्तर के सामने तुम धरना लाया वो तो आए नहीं। नहीं नहीं लाए सानू कोई मतलब नहीं सच्चाई बोलने तो कोई गुरेज नहीं होना चाहिए सच्चाई आ हूँ लगता नहीं मौके पर एमएलए आना चाहिए या सुननी चाहिए गल आए गए क्यों इन्हें नहीं विरोध तय कर रहे हैं बाकी बंदे सारे विरोध तय कर रहे ना ये इस करके वो क्यों आने। दूजी गल यह भी ये साडा प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा ये दफ्तर कारपोरेशन का दफ्तर है मुलाजम जेडे दो पुलिस वाले मुलाजम अंदर इतने लै दी रोड रोड से सड़क बना दी 50 गज द्वार करती है मंदिर के उत्ते आ पिछले पास उन्होंने मंदिर बनाया ही 56 ने मंदिर ढा के चले गए वो कहते भी ये आने नाल तो अं ये भी ढा दिए पर नहीं ये बिल्कुल ही उन्होंने छेड़न वास्ते तैयार नहीं 56 सामने 6 फेस मंदिर 6 फेस का बंदा उत्ते कोई भी नहीं मंदिर जाता। काफ़ी तजुर्बेकार हो उम्र च भी हो जो संगरूर च नतीजा आया आम आदमी पार्टी ने जो कुछ देखने मिले यही कारण जी यही कारण बनता वा कि क्योंकि जे सरकार वादे किए भी अं 10 दिन आह कर देंगे रेता बेरी आह कर देंगे रेता बेरी इन्ना पैसा आना बिजली तो अं आह फ्री करनी है बिजली फ्री करती पर लोगों बिजली फ्री नहीं। वाहेगुरु जी की खालसा वाहेगुरु जी फतेह जी। मैं अजैब सिंह मैंबर पंचायत बाकरपुर पर मेरी बेनती एक हैगी साढ़े ना जी पिंड छप्पड़ है जिदे बाउंड्री की हुई पंचायत ने जी पैसा लाया सारा 14 वित्त कमीशन पैसा लग्या मतलब उसके बावजूद भी ठीक है जी केस पहुँचा साढ़ा हाई कोर्ट पहुँच गया केस दूसरी पार्टी जे कब्जा धारक है हाई कोर्ट ने जी हूँ उत्थे तरीक पई भी है हूँ साढ़ा केस एक लग्या वा उरे अपना ADC विकास के कोल ADC विकास ने स्टे दी सानू असीं पुलिस कोल पहुँचे कल कापी ले गए ਸਾਡੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਉਹਨੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇਗੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਦਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇਗੇ ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤ ਨਰਾਤਾ ਸਿੰਘ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤ ਨਰਾਤਾ ਸਿੰਘ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤ ਨਰਾਤਾ ਸਿੰਘ ਇਹਦੀ ਸ਼ਹਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸਹਿਨ ਹੋਈ ਹੋਰੇਗਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦੀ ਠੀਕ ਕਲਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਕਲਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਸਟੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ देखो जी कलवंत ने मना कर दिया कहता मैं इस मामले कोई नहीं करता कि कोर्ट मैटर है उन्होंने मना कर दिया जिस चीज़ को ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਪਰ ਹੈ ਕਿਸ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਬੜੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੱਖਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਮਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਲ ਦੇਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਲ ਦੇਗੇ ਰਾਘਵ ਚੰਡੇ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਭਾ 3.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚੰਗੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ
वो पिट्ठू है कि केजरीवाल के, ठीक है जी, वो तो लेके देखे लिया तुम संगरूर, जिहड़ा मुख्यमंत्री गड्डी की खिड़की पर लटकता होया, ठीक है ना, वो पिट्ठू है, समझ लो पिट्ठू है। मेरा कहने का मतलब भी पंचायत मंत्री को मेरा मीडिया राही बेनती है कि बाकरपुर पिंड दे विच बदौर पुलिस को फोन करो जी, एस एच ओ साहब न, जिहड़े बंदे एक स्टे की कापी असी एस एच ओ साहब दे दी, हूँ स्टे की कापी पर कार्रवाई नहीं होंगी, फिर तो लख लाल चाहिए सरकार की। बिल्कुल देखो जिहड़े बंदे ने जी पुलिस से पुलिस भारू तो ऐ हो गए नहीं, मैं ये दसो पुलिस भारू करी किसी ने, कि राजनीति लोगों ने करी है भारू तो अज तक नहीं करी, अज तक वोटा पाते आए सरकार को, पुलिस वाले भी असं है कि मेरे वर्दी पाई भी होंगे, मैं भी पुलिस वाले बन जूगा, मैं भी सरकार के दबा बैठा मेरे वर्दी पाई होंगी, सानू मतलब जो काम है ना जी वो वर्दी के आधार पर करना चाहिए, राजनीति लोगों के आधार से नहीं करना चाहिए। ठीक है बल साहब, जो ये धरना लग्या हुआ है, अब तुम मौके पर पहुंचे हो सर, की कहना चाहोगे, की कुछ सुने हजे तक? प्रसाद बलविंदर सिंह कुंबड़ा है साडे प्रधान है, तो उन्होंने अपना मैं मंग पत्र दिता है, ये सारे मसले जोड़े उन्होंने पुराने मेरे आने तो पहल के मसले है, कोई कोविड टाइम दे है, कोई कुछ है, पर उन्होंने असी आश्वासन दिता है भी असी तो उन्होंने मंग पत्र लैके जी भी कोई बनती हो कार्रवाई होगी वह करा। सर जिन्हें भी एलीगेशन लगे वो सारे पुलिस की नलायकी पर लगे, अगर पुलिस ने किसी ने रिश्वत ली है, किसी ने काम नहीं किए, किसी ने इंसाफ नहीं किया, पुलिस से ही मतलब वर्दी बार बार कितने ना कितने वे एलीगेशन लग रहे हैं, आम पब्लिक से नहीं है। मैं जी गल इस गल पूरी वेरीफाई करके जेड़ा कोई कसूरवार होया वो कसूरवार से कार्रवाई की जाऊगी, तो ज बाकी भी सारिया दरखास्तों की प्रोपर पड़ताल होगी। तो जिदा अज इन्होंने सीएम का पुतला फूकन का प्रोग्राम रखे हुआ, तुम की देखते हो किस तरह मतलब? नहीं कोई उन्होंने मेरी सहमति हो गई है, उन्होंने लै उन्होंने टाइम दे दिता गया, तो वो सानू आके अपना जो जो भी बनती कार्रवाई होगी जिस होगी उस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। मैं क्या जी भी कोई सरकार के पक्के ऑर्डर है भी जीरो टॉलरेंस की वो है, इस करके कोई भी जेड़ा कोई जो भी कार्रवाई बनती होगी वो की जाए। वो ज़्यादातर मामले सर तुम मौके पर डीएसपी टू ताड़े ही थाने तो ज़्यादा मामले ने जोड़े मैं मेरे तो पहला दे है सारे जोड़े मामले, पर मैं हमने वेरीफाई करके फिर असी बनती कार्रवाई की जाए।